देखो यहाँ पर तुम देखोगे कि ए बी सी हैव डिफरेंट डायमेंशन देन द करेक्ट रिलेशन इसमें से देखो ए बी सी हैव डिफरेंट डायमेंशन ऐसा कह रहा है, ए एंड बी हैव ए और बी का डायमेंशन डिफरेंट, इफ ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशन ठीक है देन द करेक्ट रिलेशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या डायमेंशनल प्रिंसिपल ठीक है। तो अगर ए और बी का डायमेंशनल है तो करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा? देखो अगर जब डायमेंशन ही डिफरेंट है तो उनका जोड़ पॉसिबल नहीं है। ए प्लस बी का मतलब होता है कि अगर दोनों जुड़ते हैं तो ए और बी का यूनिट यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला यूनिट नेचर, नेचर का मतलब यह है कि मतलब एक वेलोसिटी है तो दूसरा भी वेलोसिटी है, और डायमेंशनल फार्मूला ये तीनों सेम होना चाहिए भाई, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है ठीक है ना। ये तीनों सेम होगा तभी वो जुड़ते हैं या घटते हैं। उसी तरह से ए माइनस बी है तो डायमेंशनली ए बराबर बी है, तो इसका मतलब ए बी का डायमेंशन डिफरेंट है, तो ये सही नहीं है, ऐसे भी नहीं लिख सकते। और यहाँ पर तुम देखोगे ई की पावर कुछ भी होता है तो वो डायमेंशनल लेस होता है, तो ई की पावर ए बाई बी है अभी, तो ए बाई बी का डायमेंशनल फार्मूला 1 होगा, डायमेंशनल लेस है, मतलब अगेन ए और बी डायमेंशनली इक्वल आ जा रहे हैं, मतलब डी भी सही नहीं है, मतलब सी ऑप्शन सही है क्योंकि डायमेंशन डिफरेंट है। तो ए बाई बी तो मैं लिख ही सकता हूँ ना भाई, जैसे जो फोर्स है इजक्वल टू एम में है तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम तो लिख सकते हैं ना, अलग अलग डायमेंशन से डिवाइड कर सकते हैं पर जोड़ नहीं सकते और पावर में नहीं लिख सकते। सी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट है। थैंक यू।